हेलो एवरीवन, नमस्कार. आई एम फ्रॉम नेपाल. माय नेम इज दीपक तामंग. टुडे आई एम शेयरिंग अबाउट व्हाट क्वेश्चंस आर आस्क इन द इंटरव्यू बाय एम्बेसी. जितना भी मेरा भाई लोग है, आज मेरे को बहुत मैसेज आया था. जितना भी भाई लोग है ना, जैसे हम लोग कतर से आता है, दुबई से आता है, कुवैत से आता है, किसी को है ना ये इंटरव्यू क्या क्या होता है और आप लोग का पासपोर्ट का वैलिड कितना होना चाहिए. आज का मेरा आप लोग का इन्फॉर्मेशन, मेरा इन्फॉर्मेशन ये है, क्योंकि मेरे को बहुत भाई लोग ने मैसेज किया था हम लोग का एमबीसी में कैसा फेस करने का है ना, हम लोग को क्वेश्चंस कैसा मिलता है. वो इजीली क्वेश्चंस है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए मैंने भी इंटरव्यू मेरे को भी फेस किया था. उस टाइम में मेरे को भी जो दो तीन जो क्वेश्चंस मेरे को जो एमबीसी ने है ना पूछा था, मैं आज आप लोग के लिए है ना ये शेयर करता हूँ. जिस टाइम में मैं एमबीसी में फेस किया था, इसलिए आप लोग के लिए भी हेल्प होता है. और जितना भी कतर से भी आता है भाई लोग, किसी को है ना वो इंटरव्यू में किसी को 20 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट भी वो सवाल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है ना. लेकिन मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोग को शेयर करता हूँ. इसलिए आज का मेरा इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए. जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोग को, सबको हेल्प के लिए. इसलिए मैं आज एमबीसी का क्वेश्चंस होता है और आप लोग का जैसे है ना कितना एमबीसी में जाएगा तो आपका कितना पासपोर्ट में आपका वैलिड होना चाहिए, आज का मेरा इन्फॉर्मेशन ये. और आप लोग के लिए प्यार सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच. टुडे आई एम गोइंग टू फ्रॉम स्वीडन टू जर्मनी. वॉकिंग फ्लोर है ना, इसका बोलते हैं वॉकिंग फ्लोर. आप लोग देख सकता है ये वॉकिंग फ्लोर बहुत ईजिली लोड कर सकता है और बाद में अनलोडिंग के लिए भी इजी होता है. अभी ये जैसे आप लोग को दिखा रहा हूँ, जैसे रिमोट से मैं इसको अभी लोड हो गया, फिर रिमोट से इसको वॉकिंग करता है. देखिए बाद में लोडिंग अनलोडिंग के लिए बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी वर्क है ये वॉकिंग फ्लोर के लिए. अभी स्वीडन से मैं जा रहा हूँ जर्मनी के लिए. जर्मनी इधर से है ना, फ्रॉम इधर से 830 किलोमीटर है. मैं इधर से फिर बाय फेरी होकर के फिर स्वीडन से जर्मनी पहुंच जाता हूँ. ये स्वीडन का गोटेबर्ग सिटी है. ये सिटी के अंदर से मैं जा रहा हूँ. जितना भी ट्रकिंग ड्राइविंग में आता है आप लोग के लिए भी हेल्प होता है ये इधर का ट्रैफिक रूल्स और इधर का रोड, इसलिए आप लोग भी देख सकता है. क्योंकि बाद में जितना भी भाई लोग आता है हम लोग यही सेम रोड में ड्राइविंग करने के लिए हम लोग को मिलता है. इसके लिए इधर का जितना भी रोड है मैं आप लोग के लिए दिखा रहा हूँ. वाओ, इट इज़ न्यू ट्रक. आप लोग देख सकता है आज मैं आप लोग के लिए है ना ये न्यू ट्रक है. इसका अंदर कैसा है आज मैं आप लोग के लिए भी दिखाता हूँ. क्योंकि अभी पूरा कंप्यूटर सिस्टम है जो भी ट्रक, अभी इसमें आपका साइड मिरर नहीं है, कैमरा है इसका जो अंदर से है ना कैमरा है, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ. This is dashboard, huh? Yeah. It's tachograph information. It's here. Here and here, tachograph. It's tachograph. This is a digital, huh? This menu, this is a dashboard. This menu here. Oil level. Battery. This connection. This all this computer system. Yeah, our computer system. Yeah. It's plus minus boom. Yeah. Mirror inside this with camera. This is. It's here. Autopilot. X and S. Minus and plus. This one setting. Yeah. Setting. Autopilot. This is a new model. 20 few hours, it's ours model. जितना भी ट्रक ड्राइवर भाई लोग है आप लोग है ना, ट्रक इधर पार्किंग करके आप लोग का शॉपिंग कर सकता है. क्योंकि इधर शॉपिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉपिंग ऐसा कर सकता है इधर से है ना, अपना जो भी आइटम है फ्रूट और जो भी ले सकता है. वाओ, इट इज़ ब्यूटीफुल सिटी स्वीडन. ये स्वीडन का टॉलेबर्ग सिटी है.
हमारा ट्रकिंग ड्राइविंग लाइफ ऐसा होता है, जैसे हमारा है ना वीकेंड ब्रेक होता है तो हम लोग सिटी विजिट कर सकता है। इसके लिए जिधर भी मैं नए नए सिटी जाता हूँ और मैं भी अपने लिए है ना विजिट करता हूँ और आप लोग के लिए भी विजिट कराता हूँ, क्योंकि इधर ट्रक ड्राइविंग के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रक पार्किंग करके आ सकता है। आप देख सकता है बहुत क्वाइट एंड रोमांटिक सिटी है स्वीडन, आप देख सकता है। ऐसा सिटी आप लोग को भी है ना विजिट करेगा तो आप लोग को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग एवरी डे ड्राइविंग करके करके हम लोग को है ना थोड़ा सिटी भी विजिट करेगा तो हमारा जो माइंड भी फ्रेश हो जाता है। इसके लिए मैं सिटी विजिट करता हूँ और आप लोग के लिए भी जितना भी नया नया लोकेशन होता है मैं आप लोग के लिए शेयर करता हूँ, इसलिए ड्राइविंग लाइफ आप लोग इंजॉय कर सकता है ना। आप रेस्टोरेंट में जाके नेपाली या इंडियन जो भी रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकता है, इधर भी रेस्टोरेंट है, पंजाबी रेस्टोरेंट है और इंडियन रेस्टोरेंट है और हर टाइप का आपको रेस्टोरेंट मिलता है सिटी में। हमारा क्योंकि हर टाइम हमारा लोकेशन चेंज हो जाता है, अभी कौन सा सिटी, इसलिए मैं आप लोग के लिए विजिट कराता हूँ, आप भी अपने ट्रक ड्राइविंग करके विजिट कर सकता है। एवरीवन ऑल सिंपल क्वेश्चंस एंड आंसर्स एट द पोलिश एम्बेसी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आई एम फ्रॉम नेपाल, माय नेम इज दीपक तामंग। जितना भी मेरा नेपाली, इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश भाई लोग है, आप लोग को प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आज का मेरा मेरे को भाई लोग बहुत जैसे मेरे को मैसेज किया था, भाई हम लोग को जब एमबीसी जाता है कतर कुवैत दुबई से है ना, हम लोग को उधर क्या क्या क्वेश्चन आता है, एमबीसी क्या क्या क्वेश्चन करता है। आज मैं मेरे को भी दो तीन क्वेश्चन मेरे को जब हम लोग एमबीसी गया था मेरे को पूछा था, और अभी जितना भी भाई लोग आ रहा है कतर से कुवैत से है ना, मेरे को एक भाई को भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, इसलिए आप लोग के लिए हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग का है ना पासपोर्ट का डेट है ना, जब आप लोग का एमबीसी फेस के लिए जाता है उस टाइम तक आपका पासपोर्ट का डेट आपका मिनिमम 18 मंथ का होना चाहिए, 18 मंथ का, फिर बाद में आपका 17 मंथ है तो फिर आपको फिर वीज़ा लगने का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एमबीसी आपको नहीं देता है। अभी हमारा एक भाई था कतर में, उसका भी सेम प्रॉब्लम हो गया, उसने भी मेरे को बताया भाई जैसे मैं गया था उसका 18 मंथ के नीचे था, जैसे 17-16 है ना ऐसा उसका पासपोर्ट का डेट था, लेकिन उसका वीज़ा नहीं दिया, बाद में बोला वो एमबीसी आपको दूसरा पासपोर्ट लेके आने का, जो वैलिड आपका मिनिमम एमबीसी में है ना जाने के लिए आपको 18 मंथ तक का आपका वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट, फिर आपको वीज़ा इजीली हो जाता है। और सबसे पहले तो आप लोग है ना एमबीसी में क्या क्या पूछता है और मैं आप लोग को आज मैं आप लोग के लिए शेयर करता हूँ है ना, ये तो ऑल सिंपल क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन एंड आंसर आप लोग भी दे सकता है ना। आज मेरे को भी जो मैंने भी पहले मेरे को भी पूछा था, मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ। और सबसे पहले आपको है ना नंबर वन में आपको पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, वो तो आपको बता सकता है आपका नाम, आपका सर नेम। फिर आपको जैसे टू नंबर में आपको पूछ सकता है हाउ मेनी ईयर्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस यू हैव, आपको बोलेगा आप कितना साल का है ना आपका एक्सपीरियंस है, आपका जैसे 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 15 ईयर्स, आप इसका जवाब आप लोग है ना क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। बाद में आपको तीन नंबर में आपको है ना थ्री नंबर में आपको पूछ सकता है विच कंपनी आर यू गोइंग टू वर्क है ना, आपको बोलेगा कौन सा कंपनी में आप लोग जा रहे हैं, जैसे आप लोग कतर कुवैत से अपना कंपनी कौन है वो कंपनी का नाम आप लोग है ना अच्छा से याद करने का, फिर आपको जब उधर पूछेगा तो आप बता सकता है ना आप ये कंपनी में मैं जा रहा हूँ बोल के ये आप बता सकता है, फिर ये बहुत अच्छा आप लोग के लिए भी अच्छा होता है। जैसे फोर नंबर में आपको फिर पूछ सकते हैं व्हाट इज़ योर सैलरी पर मंथ, आप लोग को है ना क्वेश्चन करता है आप लोग को व्हाट इज़ योर सैलरी पर मंथ, आपको कंपनी सैलरी कितना देता है वो आप बता सकते हैं। आपका जैसे ज्वेलिटी में लिखा था ज्वेलिटी है ना, आपका यूरो में लिखा था पर मंथ है ना जैसे 1500-600 ये बता सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर आपको फाइव नंबर में आपको आता है व्हाट इज़ योर जॉब इन पोलैंड है ना, आपको बोलेगा आप कौन सा काम के लिए जाता है ना, आपका काम क्या है, फिर उसमें आप बता सकते हैं
heavy vehicle driving and I have more than जैसे 10 years है ना 15 years आपका जो भी driving experience है आप बता सकते हैं. आप GCC में काम किया ना, जैसे खतर में काम किया, दुबई में काम किया, वो आप बता सकते हैं. ये भी आप लोग के लिए प्लस पॉइंट होता है. और फिर बाद में 6 नंबर में आपको पूछ सकता है हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन पोलैंड, है ना. आपको पूछेगा आप कितना टाइम तक आप उधर रुक सकता है ना, ये भी आपको क्वेश्चन आता है. फिर आप बता सकते आप उसका क्वेश्चन में है ना आप अपना आंसर आप दे सकते हैं. आई विल स्टे इन पोलैंड टिल माई वीसा, है ना. जब जब आपका वीसा वीसा होता है ना, आपका वीसा तक मैं रह सकता है. जैसे आई विल स्टे इन पोलैंड टिल माई वीसा इज वैलिड. आई विल लीव पोलैंड बिफोर वीसा एक्सपायरी, है ना. ये बोलेगा तो आपको ये भी प्लस पॉइंट आता है. और उसके बाद आपको है ना, और जैसे 7 नंबर में आपको पूछ सकता है ये भी, वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू पोलैंड, है ना. आप बोलेगा उसको, आपको बोलेगा वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू पोलैंड, है ना. आप उसमें बता सकते हैं आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द यूरोपियन कल्चर एंड गेट एक्सपीरियंस द यूरोपियन कल्चर, है ना. एंड गेट ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन यूरोप, ये भी आपके लिए बहुत क्वेश्चन अच्छा है. आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द यूरोपियन कल्चर, आप लोगों को ये जवाब भी बहुत अच्छा है. एंड फिर बाद में बता सकता है एंड गेट ड्राइविंग लाइसेंस इन ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन यूरोप, है ना. ये भी आप लोग के लिए बहुत फायदा है. फिर बाद में आपको लास्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डू यू हैव इंश्योरेंस. आपको बताएगा आपका पास इंश्योरेंस है, बोलेगा तो आप बता सकते हैं, है ना. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यस आई हैव ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर 1 year. An employer will agree medical and insurance आपका पास है तो है बोल के आप बता सकते हैं. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग के लिए, ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है. ये आप लोग याद करके MBC अप्लाई जाने टाइम में आप जाएगा तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के लिए शेयर करता हूँ. जितना भी भाई लोग आप लोग मैसेज कर सकते हैं आप लोग के लिए, है ना. कौन सा मैसेज के लिए आप लोग को हेल्प के लिए वीडियो बनाने का, फिर मेरे को आप लोग कमेंट कर सकता है. और आप लोग का कमेंट प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच. स्वीडन से मैं ऑलरेडी जर्मनी पहुंच गया. जब जर्मनी पहुंचेगा था मेरा जो नेविगेशन में भी देता है दिखाता है ऐसा ये बोल के, इसलिए मैं अभी जर्मनी का जो रोड जा रहा हूँ मैं बर्लिन रोड. बर्लिन से भी मेरे को और 300-400 किलोमीटर है. ये बर्लिन सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है और जर्मन का कैपिटल है. ये बर्लिन का रोड है जो हम लोग है ना सिटी का अंदर से जा रहा हूँ. ये रोड हम लोग को क्रॉस करने के लिए मिनिमम 1 hour से भी ज़्यादा टाइम लगता है. बहुत बड़ा सिटी है, ये ब्यूटीफुल सिटी है. ये रोड से हम लोग को है ना 1 hour से भी 1 hour 30 minutes लगता है ये क्रॉस करने के लिए बर्लिन. इसलिए मैं आप लोग के लिए भी विजिट कर रहा हूँ. मेरा ब्लॉग में आप लोग के लिए है ना सिटी रोड में आप लोग के लिए इसलिए दिखाता हूँ. आप लोग भी है ना जर्मनी सिटी आप लोग विजिट कर सकता है. ब्यूटीफुल सिटी है, इसके लिए मैं आप लोग के लिए दिखाता हूँ, विजिट कराता हूँ. जितना भी मेरा नए नए लोकेशन में मैं जाता हूँ तो मैं आप लोग के लिए मेरा विजिट मैं विजिट करता हूँ तो आप लोग के लिए भी मैं सिटी विजिट कराता हूँ. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. विशेष गरी है जति पनि तपाईहरु भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको माया सपोर्टको लागि एकदमै धन्यवाद छ. अनि तपाईहरु पनि है ड्राइभिङमा आउन सक्नुहुन्छ युरोपमा है. एकदमै धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ अनि एकदमै राम्रो छ. अनि तपाईहरु पनि है आएर ट्रक ड्राइभिङमा राम्रो छ, त्यस्तो केही प्रब्लम हुँदैन, राम्रो छ है. आउनुहोस्.